जय श्री राम। मित्रों, प्रभु श्री राम के बाल रूप का वर्णन। मित्रों, हमारे प्रभु, हमारे सरकार, हमारे रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी 2080 विक्रम संवत तदनुसार 22 जनवरी 2024 का वह मंगलमय दिन आ गया, जिसका कई शताधिक वर्षों से इंतजार था। वह शुभ घड़ी आ गई जब अयोध्या में जन्मभूमि में निर्मित मंदिर में प्रभु श्री राम के बाल रूप की प्रतिमा विराजमान हो गई है। पावन मुहूर्त का वह क्षण आ गया जब प्रभु की प्रतिमा सतचित्त आनंदमयी है, अर्थात उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। केवल अयोध्या ही नहीं, संपूर्ण भारत राममय एवं भगवामय हो चुका है। विश्व भर में चतुर्दिक प्रभु श्री राम का यशगान हो रहा है। संपूर्ण अयोध्या नगरी सजी हुई प्रभु श्री राम को जन जन के हृदय में सुशोभित करने वाले राम भक्त श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में अयोध्या के सौंदर्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं, ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जो ही भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर सुशोभित है। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता। गगन से पुष्पों की वृष्टि हो रही है, सभी लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। ग्रह ग्रह बाज बधाओ शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हरसवंत सब जह तह नगरी नारी नरबंद। घर घर मंगल में बधाओ बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुष के झुंड जहां तहां आनंद विभोर हो रहे हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के बाल रूप की प्रतिमा विराजमान है। बड़ा ही अद्भुत संयोग है कि श्री रामचरितमानस में महादेव शंकर भी प्रभु श्री राम के बाल रूप की ही वंदना करते हुए कहते हैं, बंदव बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सु दशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हीं श्री राम के बाल रूप की वंदना करता हूँ जिसका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री राम मुझ पर कृपा करें। उत्तरकांड में श्री राम भक्त काकभुसुंडी जी पक्षीराज गरुण जी को कहते हैं, इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि सतकामा। बालक रूप श्री राम जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों काम देवों की शोभा है। अब हम समझ गए होंगे कि इस चराचर ब्रह्मांड के नायक प्रभु श्री राम के बाल रूप की ही प्रतिमा क्यों प्रतिस्थापित की गई है। प्रभु श्री राम के बाल रूप का वर्णन करते हुए काकभुसुंडी जी कहते हैं, मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा, मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है, अंग अंग में बहुत से काम देवों की शोभा छाई हुई है, नील कंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। वे नील कमल के समान जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गरोचन का तिलक सुशोभित है। इस आलेख का समापन भक्त नारद जी के वचनामृत से करते हैं, जे न भजई अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते हैं, वो ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं। अभागे तो वो भी हैं जो आमंत्रण मिलने पर भी उसे ठुकरा देते हैं और प्रभु श्री राम के पुनीत प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर पुण्य के भागीदार नहीं बनते। तो बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम।
मित्र, ये लेख कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं प्रभु श्री राम की कथा लेकर, नया प्रसंग लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।